टीटीबी भी आ जाए, माकपा भी आ जाए, पूरा कुनबा आ जाए, सब सही। कांग्रेस चुनाव जीत गई, बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट फेल है, बीजेपी अपोजिशन की भूमिका निभाने में फेल रही। जो बीजेपी ना अपोजिशन की भूमिका निभा पाई ना इलेक्शन मैनेजमेंट ढंग से कर पाई, तो उस बीजेपी की तो हार उसी दिन हो गई थी। और ये आप मानकर चलना, इनमें जो इंटरनल वॉर है वो अब नज़र आ रहा है। ये लीडरशिप कौन करे, कौन चुनाव लड़ाए इनके कैंडिडेट को जो निर्दलीय इन्होंने समर्थन दिया, तो चुनाव लड़ाने के लिए इनमें तो होड़ हो गई पहले ही दिन से। जिस दिन से इनके इलेक्शन का कैंडिडेट आया उसी दिन से गुटबाजी सामने आ गई थी। और बीजेपी के हालात ये हैं कि ये बड़े बड़ी डींगे मार रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वैसे ही जैसे वल्लभ नगर और धरियावद में कर रहे थे। लेकिन कहा गया कि प्रेशर बहुत डाला गया है सरकार की तरफ से। नहीं, कहाँ प्रेशर डाला गया, आप समझे, नहीं जरूरत ही नहीं प्रेशर की। सरकार के साथ जो वोट इंटैक्ट था वो वोट आज भी इंटैक्ट है और वो वोट सरकार को मिल रहा है। तो ये तो वैसे भी MLA सारे के सारे कांग्रेस के ही साथ थे, वही वोट मिल रहा है, वो जीत रही। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी जब कांग्रेस में और राज्यसभा में कुनबा बढ़ेगा, राजस्थान के मुद्दों को लेकर एक जनता जो चाहती है, जो उम्मीद और आस है सर, उस पर भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। जानते हैं रणदीप सुरजेवाला जी, मुकुल वासनिक जी और प्रमोद तिवारी जी, तीनों अच्छे लीडर हैं, अच्छे वक्ता है, और वो तो बड़े प्रवक्ता है कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला जी, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। राज्यसभा में राजस्थान की आवाज़ मजबूत होगी,